हाय दोस्तों, कैसे हो आप? हेलो, चाय पी लो, आ जाओ प्लेन के अंदर। तो काफी कूल सिटी लग रही है। कूल वैसे भी कूल है, यहाँ का आर्किटेक्चर भी कूल है और ठंड भी। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर का सिस्टम, जैसे इंडिया के लिए है कि 30 डेज के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ट्रेन के अंदर भी जाके फोटो वोटो खिंचा सकते हो। मेरा इसमें जो है अभी यूट्यूब यार उसकी नियत ना, तो मेरा भी प्लान है उज़्बेकिस्तान जाना। इस प्लेन के तो हालात काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। मुझे लग रहा है रात को यहाँ पे कोई कंबल वंबल भी पड़ा है, कोई आके यहाँ पे सो जाता होगा। ये एक्सपीरियंस तो पहली बार हो रहा है ऐसे टूटे हुए प्लेन में। कुछ नहीं बचा भाई, लोग सब कुछ उतार के ले गए इसमें से। बड़ी सही आर्किटेक्चर का लग रहा है, बहुत ही कमाल की जगह लग रही है। इस प्लेन का एक खिड़की टूटी भी हुई है। मीना जबूत तरुण पूरा प्राइवेट स्पेस दिया होता है, इस टाइप से हम इसको खोल सकते हैं। या इज इंडी इंदूस बैकपैकर्स के लिए उन्होंने स्पेशल बड़ा स्पेस दिया हुआ है। लेकिन किर्गिस्तान में मैंने पहला ये कॉन्सेप्ट देखा तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रूर आके रहना है और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो दोस्तों, इस किर्गिस्तान सीरीज़ में लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया पहले थोड़ा सेंट्रल किर्गिस्तान जिसमें मैं था बिश्केक में। उसके बाद मैं गया था ईस्टर्न पार्ट ऑफ किर्गिस्तान में जो था चाइना बॉर्डर के बहुत ही पास और कजाकिस्तान बॉर्डर के पास, उसमें मैंने आपको दिखाया कराकोल। तो अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं जाऊँगा कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ किर्गिस्तान में। मैं आया हूँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ किर्गिस्तान। तो अभी मैं हूँ ये जो जगह है इसको बोलते हैं ओश। ओश है बिल्कुल एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ किर्गिस्तान और मतलब सेकंड लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है इस पर पॉपुलेशन के हिसाब से। तो काफ़ी कूल सिटी लग रही है। कूल वैसे भी कूल है, यहाँ का आर्किटेक्चर भी कूल है और ठंड भी यहाँ पे काफ़ी है। मेरे को लग रहा है कि बिश्केक या फिर कराकोल के मुकाबले में यहाँ पे ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मे बी आज मौसम थोड़ा ऐसा है क्योंकि कल रात को भी काफ़ी स्नोफॉल होती रही थी और अभी भी कोई धूप का नामो निशान नहीं है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो पूरा पैक होके घूम रहा हूँ मैं। तो ये है ओश सिटी। तो गाइस, इस ओश सिटी की दूरी है लगभग बिश्केक जो है सेंट्रल किर्गिस्तान, वहाँ से लगभग मैंने दूरी तय की लगभग 600 किलोमीटर की। बहुत ही लंबा सफ़र रहा लेकिन बहुत ही सुंदर मज़े का सफ़र है। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, नहीं तो मैं आपको रास्ते की कुछ जगहें भी दिखाता। और लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग पूरा दिन ही लग गया आने में। तो और मेरा लगभग 1500 सोम के आसपास रेंट लगा जो टैक्सी का लगा और मैं पहुंचा हूँ ओश सिटी में। मैं ज़्यादा यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि एक 30 डेज़ का जो यहाँ पे मेरा वीज़ा था, वीज़ा ख़त्म होने वाला है। अच्छी बात ये है कि कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे एक ग्रीन कॉरिडोर का सिस्टम चल रहा है आजकल, कि अगर आप किर्गिस्तान में हैं तो आप बिना वीज़ा एक्सटेंशन के आप कितने भी दिन रह सकते हैं जब तक इनका नया ऑर्डर पास नहीं हो जाता। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन का बात होती है जो मेरे से काफ़ी लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में पूछ भी रहे थे कि रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, क्योंकि वरुण भाई ने भी माउंटेन ट्रैकर जो है उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया था कि 30 दिन के बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो हम अगर ना कराएं तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कंट्री एग्ज़िट करते हुए। तो गाइज, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ये हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसे इंडिया के लिए है कि 30 डेज़ के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है यहाँ के वीज़ा डिपार्टमेंट में, और पाकिस्तान के लिए शायद 15 दिन का है और अमेरिकन के लिए ज़्यादा होता है। तो हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है, ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ आ जाता है, विकीपीडिया पर भी आ जाता है शायद कि किस कंट्री को कितने दिन के लिए यहाँ पर फ्री आप रह सकते हैं। मतलब वीज़ा तो आपको चाहिए ही चाहिए लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको कितने दिन तक नहीं कराना है वो चीज़ इस लिस्ट में मेंशन होती है। तो इंडियंस के लिए जो है यहाँ पे ये है 30 डेज़ के लिए आप तक आपको बिना रजिस्ट्रेशन के आप रह सकते हो। हालांकि इन्होंने, मैं इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था, उसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने जब कॉल किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ आपको 30 डेज़ के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट मेरा अभी इस केस में 29 डेज़ हो चुके हैं। 38 तो मेरा इसमें जो है अभी यूट्यूब यार उसकी नियत इंग्लिश। तो
इसमें जो हमारा इंडिया का है इसमें हमें 30 डेज़ का मिलता है, और मेरे ऑलमोस्ट अभी 28 डेज़ आज मेरे पूरे हो गए हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक दो ही दिन बचते हैं। या तो मैं रजिस्ट्रेशन मुझे कराना पड़ेगा या फिर मुझे कंट्रीज़ एग्जिट करना पड़ेगा। तो मेरा ही प्लान है कंट्रीज़ एग्जिट करने का, क्योंकि मुझे और भी कंट्रीज़ घूमनी है। तो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा दिन मैं यहीं पर स्पेंड करूँ। वैसे खर्चा इसमें ज़्यादा नहीं आता, लगभग 1500 सोम के आसपास खर्चा आता है। तो अगर आप कभी आ रहे हैं तो बिश्केक में, मतलब जिस भी होटल में रहते हैं वो उनको अनुमति होती है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी जाके कर सकते हैं। तो अगर आप बिश्केक में कहीं हैं तो आप एप्पल हॉस्टल में जा सकते हैं। वहाँ के मतलब लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, वहाँ के मैनेजर हैं, बहुत सही हैं, वो आपको हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन करने में। ये ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। तो मेरा अभी जो प्लान है वो यहाँ से जो टच है कंट्री, वो है काफ़ी कंट्री टच करती हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। तो मेरा भी प्लान है उज़्बेकिस्तान जाने का। यहाँ से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है। वीज़ा मैंने ऑलरेडी ले लिया था, जो मैं आपको प्रोसेस अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे उसका प्रोसेस है। तो अभी मैं ऐसे ही ओश की सिटी सेंटर के पास एक पार्क में घूम रहा था, तो पीछे एक प्लेन खड़ा हुआ है। यहाँ पे प्लेन तो असली लग रहा है लेकिन बहुत पुराना डैमेज प्लेन है, तो यहाँ पे बर्फ भी पड़ी हुई है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, प्लेन के अंदर भी जाके फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। तो देखता हूँ अभी अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ आपको भी। प्लेन के तो हालात काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। मुझे लग रहा है रात के यहाँ पे कोई कंबल वंबल भी पड़ा है, कोई आके यहाँ पे सो जाता होगा, और थोड़ा स्मेली सा भी है हल्का सा। बाकी मन तो हो रहा है एक बार कॉकपिट में जाके देखूँ, कोशिश करूँ। देख रास्ता नीचे बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ सा है, कोशिश करता हूँ ज़रूर मैं, बस बस ना जाऊँ। ऊप्स ऊप्स उलाला उलाला, ये एक्सपीरियंस तो पहली बार हो रहा है ऐसे टूटे हुए प्लेन में जाने का। ये देखो दोस्तों, ये है इसका कॉकपिट, देखा है कभी ऐसा प्लेन? अरे पीछे पार्क है, कुछ नहीं बचा भाई, लोग सब कुछ उतार के ले गए इसमें से। प्लेन का एक खिड़की टूटी भी हुई है। मस्त माहौल है यहाँ से फोटो खींचने का, बढ़िया लोकेशन है। कभी ओश में आ रहे हो तो यहाँ फोटो जरूर खिंचवाना, मैं भी अपनी फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, देखना जरूर। वुहू पार्टी टाइम। वुहू रुस्की नियत स्पीक इंग्लिश उमर जबूत मीना जबूत तरुण 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 या इज इंडी इंदूस इंदूस फ्रॉम इंडिया इंडिया। तो भाई एक वॉकिंग टूर ना एक मतलब सिटी को देखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, मतलब लोगों से भी मिल पाते हो और साथ साथ आप जगहें भी देख पाते हो। तो अभी मैं यही ओश सिटी का वॉकिंग टूर ले रहा था, तो मैप में देखा एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट दिखा रहा था, इसका नाम है सुलेमान टू मॉस्क। और ऐसे ही पैदल चलता रहता पहुँच गया, बड़ी सही आर्किटेक्चर का लग रहा है, बहुत ही कमाल की जगह लग रही है। और यहाँ पीछे एक माउंटेन टॉप पे अगर वो ऊपर एक छोटी सी एक बिल्डिंग दिख पा रही हो तो वो एक म्यूज़ियम है यहाँ पे। तो बट मेरा वो प्लान है नहीं, और म्यूज़ियम का मैं वैसे ही शौकीन नहीं हूँ, तो ऊपर जाने नहीं वाला, बस थोड़ा यहाँ प्रेमिसिस में देखता हूँ कि हाँ कैसा कुछ है यहाँ पे। लास्ट नाइट योर फ्रेंड टोल्ड मी दैट दिस इज अ नेशनल डिश, व्हाट इज दिस कॉल्ड? ओप्स। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड दिस थिंग? पाई। पाई पिज़्ज़ा पाई। इज दिस लाइक अ नेशनल डिश ऑफ किर्गिस्तान?
That's another dish, I guess. Shasha something else. Small. What do you call? Samsa. Yeah. The small thing. It's same almost. Same? But, you know, onion and meat inside. Ah, nice. You don't have much money, potato inside. Ah. So the filling depends, you know, what kind of you want. That you can have potato. I think this one everybody has. What's the difference? That it's inside, not the out. I mean, the not on the top. Oh, yeah. It's inside. But it's really tasty. Looks delicious. Let's try this. Yeah. तो कुछ इस टाइप से होता है ये कैप्सूल होस्टल. तो इस टाइप का इसमें जिसमें मैं भी रह रहा हूँ कैप्सूल होटल ओश में, इसमें लगभग एक ही है ये पूरी डॉर्मेटरी. और इसमें आई गेस 26 बेड्स हैं, ऐसे बंक बेड टाइप से बने हुए हैं, कैप्सूल टाइप से बने हुए हैं. बाकी इसमें इधर हमारे को स्टोरेज स्पेस दिया गया है. स्टोरेज स्पेस वैसे हर उसके साथ भी होता है, हर एक बेड के साथ भी होता है नीचे की तरफ, जिनका कम सामान है. और बैकपैकर्स के लिए उन्होंने स्पेशल बड़ा स्पेस दिया हुआ है. ये देखो इतना बड़ा स्पेस सिर्फ मेरा सामान रखने के लिए है. मैंने अपना सामान आराम से सेट कर रखा है, बड़ा बैग रख सके इसमें सब आ जाता है. बाकी इधर इन्होंने वॉशिंग मशीन भी दे रखी है, इसका अलग से चार्ज होता है अगर कोई अपना वॉशिंग मशीन यूज़ करके कपड़े वगैरह धोना चाहे तो. और बाकी इसमें वॉशरूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे दो वॉशरूम हैं, ये मेन के लिए बने हुए हैं. काफ़ी साफ़ सुथरे बढ़िया वॉशरूम होते हैं. कुछ इस टाइप से होता है, ये है इनका टॉयलेट एरिया, टॉयलेट्स वॉश कैबिन जिसको यहाँ पे बोला जाता है. और ये है इनका शार एरिया. तो ये बॉयज़ के लिए है अगर हम, और अगर हम उस साइड पे जाएंगे तो उस साइड पे इन्होंने सेपरेट थोड़ा गर्ल्स के लिए दिया हुआ है. और बहुत ही सही है जगह. अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इस टाइप के कैप्सूल हॉस्टल में. सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से ये जो कैप्सूल डोम्स होते हैं, कैप्सूल हॉस्टल होते हैं, इनमें जो ये कैप्सूल होता है मेरे पीछे की तरफ, ये कैसे लगते हैं. तो बेसिकली इनमें पूरा प्राइवेट स्पेस दिया होता है, इस टाइप से हम इसको खोल सकते हैं. और अगर हम जाएंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पे पहले हम लाइट ऑन करते हैं. लाइट ऑन करने के बाद आपको दिखेगा कि इस टाइप का होता है. इसमें पूरा हमारे को एक प्राइवेट स्पेस मिलता है, बढ़िया पिलो है, साथ में रजाई दी हुई है. और यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने सॉकेट्स दिए हुए हैं, 2 सॉकेट यहाँ पे हैं और 2 सॉकेट यहाँ पे हैं. और बटन दिया हुआ है, और साथ में ये एक सर्दियों में ये गर्म हवा डालता है, मतलब एयर कंडीशनिंग के लिए होता है. और गर्मियों में बढ़िया ठंडी हवा देता है. और यहाँ पे इन्होंने एक इस टाइप की ट्रे भी दी हुई है कि अगर कुछ काम वगैरह करना है, रीडिंग वगैरह करनी है, तो अपना बढ़िया यहाँ पे ऑन करके रीडिंग कर सकते हो. लाइट का बटन इन्होंने दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो एक बहुत ही सही होता है. और इसको अगर हम रात को अगर हमें जब सोना होता है तो इसको हम इस टाइप से बंद करके, यहाँ पे एक लैश दिया गया है, इससे हम इसको बढ़िया करके क्लोज कर सकते हैं. तो बहुत ही तो बहुत ही सही है. मतलब हॉस्टल में हमें इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती. कई बार हमें हॉस्टल जैसे मिलते हैं जिनमें डॉर्म बेड में कर्टेंस लगे होते हैं, कई बार कर्टेन भी नहीं होते, तो कोई प्राइवेसी रहती नहीं है. बट ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है चाइना में और जापान में, तो मैंने बहुत सारा सुना है और वीडियोज़ भी देखे हैं. लेकिन किर्गिस्तान में मैंने पहला ये कॉन्सेप्ट देखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ज़रूर आके रहना है और आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि क्या होता है. तो आगे ट्रेंड चल रहा है मे बी इंडिया में भी, और अब धीरे धीरे सब जगह इस टाइप की खुल जाएंगी क्योंकि प्राइवेसी ज़्यादा ऑफर करते हैं ये. तो एक अच्छा तरीका है अगर हमें हॉस्टल में रहना है और अपनी प्राइवेसी भी चाहिए, और सस्ते में सही काम है ये.